हेलो फ्रेंड्स, सोनास के ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट डिज़ाइन, ठीक है, गिट पर्दे का डिज़ाइन, जो कि देखिए मीन्स टू कलर से बनाएंगे, वाइट ब्लू कलर से। देख सकते हैं आप लोग कितने कलर कॉम्बिनेशन, कितना प्यारा है। इसकी टूरन पट्टी बनानी है और इस गेट का जो डिज़ाइन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी हमने टूरन पट्टी करके कंप्लीट कर ली। इस कलर से सैलरी हम बनाए का हमारा यूज नहीं होगा, वाइट से करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड तक और देखिए किस तरीके का हम टोरन डिज़ाइन गिट पर्दे का डिज़ाइन आज बनाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट कर लिए बना करके, एकदम सिंपल टोरन पट्टी है। आप इस पे सितारे या फिर जो आईना या फिर कांच जो हम लगाएंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको सिंपल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं डिज़ाइन वाली पट्टी भी आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। और बहुत सी डिज़ाइन वाली पट्टी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख करके उसको ईजिली बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पफ बनाए, ठीक है। 10 पफ बना लिए इधर, और यहाँ पे देखिए हमने कितने पफ बनाए, यहाँ पे हमने 40 पफ बनाए, ठीक है। 20 एक साइड में और 20 एक साइड में, यहाँ देखिए, ठीक है। आपको गिन के भी दिखा दें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 40, यानी कि 40, ठीक है। 40 बना लिए। अब देखिए क्या करना है हमें, इधर भी 10 ही बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इस साइड से देख लेंगे, इधर से गिनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने 10 पफ बनाने के बाद इसको 20 बना लिया है पफ को, ये स्टार्टिंग। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट बनाऊंगी उसमें आपको इसको समझा दूंगी पूरा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही बता दें आपको कि किस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इस डिज़ाइन को स्किप करेंगे। ये अपने बीच में स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वां वाला है ना, यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए यहाँ से इसको पकड़ेंगे हम क्रोशिए को, और यहाँ पे बल लेते हुए धागे में जो 10 वाला है यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ से हम बनाएंगे पफ, ठीक है। देखिए इसको बल लेते हुए इस तरीके से धागे को निकालते हुए राउंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसकी 6 राउंड बना लेंगे, ठीक है। और फिर सारा एक साथ निकाल करके इसको इस तरीके से बांध देंगे, फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में पफ बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 बना लिया, फिर इसको भी इस तरीके से बांध देंगे, फिर एक और चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर देखिए 5 6 जितना आप बनाना चाहें पफ ही ले सकते हैं, उतना पफ बना लीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करना है, 10 बनाने हैं ना, 4 बन गए हैं, और यहाँ तक हम 10 बना करके आपको फिर दिखाते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 बना लिए हैं, एक चेन लेंगे, टर्न हो जाएंगे और एक को स्किप करेंगे, और इस जगह से देखिए यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया हुक, और यहाँ पे 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पफ बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए पफ बनाएंगे, एक एक दोनों साइड से स्किप करते हुए पफ बना लेना है, ठीक है। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में एक पफ बनाएंगे, तो इस तरीके से हम जैसे 10 का 9 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हम पफ बना, बड़ा सा फ्लावर बनाएंगे फ्रेंड्स। याली वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका लुक चेंज किया है हमने, इस टेरन डिज़ाइन का, गेट पर्दे का डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक सा डिज़ाइन लेके आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो को और इन्जॉय करिए, देखिए और कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आप लोग को वीडियो। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, है ना, इस तरीके से जितना पफ ही आप बनाना चाहते हैं उतना पफ ले लीजिए, फिर एक ले लीजिए इस तरीके से, फिर थोड़ा सा धागे को खींचते हुए पफ बबना लेंगे। तो थोड़ा हम पूरे जितने 9 पफ बनाने हैं फ्रेंड्स उतने आपको हम बना करके फिर दिखाते हैं, देखिए, ठीक है ना। कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना लिए हैं। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे और फिर देखिए जिस तरीके से हमने पफ बनाया है ना 40, उतना ही हमको इसका हाफ बनाना है, यानी कि 20 पफ एक साइड में बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम पफ बनाते हैं इजीली वैसे ही बना लेंगे, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि बनाते हैं हमेशा की तरह, देखिए, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7, जैसा आपका मन हो उतना पफ भी बना लीजिएगा। और फिर देखिए इसी में डाल के फिर 1 2 3 4 5, ठीक है,
फिर इसको पैक करेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स, इसे बांध देंगे फिर इसी तरीके से, मतलब हमें 20 बना लेनी है ठीक है। तो हम आपको उतना कंप्लीट करके फिर दिखा देते हैं ठीक है, फिर आगे देखते हैं कैसे स्टूडेंट डिज़ाइन में, गेट पर्दे डिज़ाइन में हमें क्या करना है। देखिए बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स, हमने 20 बना करके पफ कंप्लीट कर लिए हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि वन साइड में 20 करना है ठीक है। पहले तो 40 बना लेना है और 40 का हाफ 20 करना है ठीक है। तो एक साइड में 20 और एक साइड में 20, इधर से भी हम गिन लेंगे ठीक है कि 20 होना चाहिए ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का जो हाफ है ना, जैसे कि जो बीचों बीच का है, देखिए इस तरीके से जहाँ पे दोनों साइड में 20 20 हो जा रहा है 40 का, वहाँ पे देखिए बन लेते हुए इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे फ्रेंड्स 6 डबल क्रोशिया ठीक है। 6 7 8 देखते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फ्लावर बना के कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लेंगे ठीक है। तो 3 हो गया 4 5 और ये 6 ठीक है। 6 बना लिया है हमने यहाँ पे, और ये हमारा ये पफ है ना, 6 बनाए हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको भी देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से इस राउंड को निकाल लेते हैं इसे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 हमने बना लिए ठीक है, 3 इधर और 3 इधर 6 और 6 फ्रेंड सेकंड में हम डबल कर देंगे इसका ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से 2 चेन लेंगे और धागे को थोड़ा सा खींचते हुए फिर 20 इधर भी बना लेंगे ठीक है। 20 इधर फ्रेंड्स, डिज़ाइन मिस मत करिएगा, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लेके आए आप लोग के लिए, बहुत बड़ी सी ठीक है। फ्लावर बहुत बड़ा सा बनने वाला है यहाँ पे, जो हमने पिछली वाली वीडियो में शेयर किया था थोड़ा सा छोटा है फ्लावर, तो इसमें हम काफ़ी बड़ा बनाने वाले हैं और काफ़ी अलग सा लुक देगा ये वाला टोरन डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा गिफ्ट पर्दे का ये डिज़ाइन बनने वाला है ठीक है। तो फिर हम बना लेते हैं फ्रेंड्स कितना, 20 ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी सेकेंड रो भी कम्प्लीट कर ली, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने बनाया 6 डबल क्रोशिया ठीक है। और ये इसकी सेकेंड रो है, तो यहाँ भी हमने इधर 20 बनाया है, इधर 20 बना लिया है ठीक है। अब देखिए एक स्किप करेंगे इस साइड से और यहाँ पे पफ बनाएंगे इस तरीके से। देखिए 2 3 4 ठीक है, 4 5 और ये 6 फिर इसको इस तरीके से बांध देंगे सारे धागों को एक साथ, एक चेन लेंगे फिर यहाँ पे बना लेंगे 5 या 6 का, जितने का आप बना रहे होंगे उतने का बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। देखिए इस तरीके से फिर एक धागा लेंगे यानी कि एक चेन लेंगे फिर बना लेंगे, तो हम आपको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं ठीक है। फ्रेंड्स, हमने ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली, देख सकते हैं आप लोग ठीक है। अब देखिए एक हमने यहाँ पे देखिए चेन लिया है और इधर टर्न होकर के यहाँ पे ठीक है, और धागे को खींच लीजिएगा वरना चेन ले लीजिएगा 3, उसके बाद से यहाँ पे पफ बना लीजिए, एक स्किप करके इस तरीके से पफ बना लेना है ठीक है। देखिए एक चेन लेंगे पफ बना लेंगे तो अब 9 की जगह अब 8 बनेंगे पफ, फिर 20 एक साइड बनेगा और वो जो 3 हमने बनाया था 3 का 6 हो जाएगा ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हो जाएगी मेरी ठीक है, पार्ट्स कई पार्ट्स में अपलोड करते तो कई पार्ट्स में ही अपलोड करके आपके साथ हम शेयर करेंगे फुल वीडियो इसकी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ठीक है, तो इसको हम दिखा दें आपको थोड़ा सा और, फिर यहाँ पे भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ तक आपको बना करके पफ वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे ठीक है। देखिए 1 2 कंप्लीट हो गई, थर्ड वाली यहाँ से फिर से पफ बनाएंगे 20 इस तरीके से, जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे ठीक है। तो आपको हम पूरा इसको समझा देते हैं टोरन, फिर उसके बाद से नेक्स्ट वाला पार्ट इसका लेके आएंगे ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में फ्रेंड्स पूरा टोटल कंप्लीट नहीं होता है। मैं आप लोग के साथ फुल वीडियो शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप लोग को समझ में आ सके ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं फिर समझा दूँगी फिर से उस चीज़ को कि किस तरीके से बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इजी टोरन डिज़ाइन है ठीक है, पफ बनाना कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। पफ बना लीजिएगा तो इस पूरे डिज़ाइन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है। अगर आपको टोरन पट्टी नहीं डिज़ाइन आती तो सिंपल बनाइए, मैं तो सिंपल बना रही हूँ इस समय ठीक है।
अगर आपको डिज़ाइनर चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं डिज़ाइनर भी आपको पट्टी बना करके दे दूँगी। और चैनल पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं टूरन पट्टी की, वहाँ से आप लोग देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। अगर डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन और सिंपल चाहिए तो सिंपल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए थर्ड रो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए आपको हम दिखा दें, फिर इसके बाद से हम इसको कट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कितना बना लिया पफ, चार बनाया है। तो आपको हम समझाते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। टू पार्ट्स में इसको हम बना रहे, देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, व्हाइट कलर से धागे के निशान लगा, तो हम इसको टू पार्ट्स में बना रहे। तो एक पार्ट ये है हमारा और एक पार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप रहेगा, ये गैप रहेगा, यहाँ तक एक पार्ट बन के कम्प्लीट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको हम समझा दें, बहुत ही ईजी है और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, ठीक है। वहाँ पे बीच में हम फ्लावर बनाने वाले हैं और ये सादा नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ भी एक छोटा सा फ्लावर बनेगा, ठीक है, छोटा सा बनेगा, प्यारा सा, बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने पफ बना करके यहाँ पे अब छः का डबल कर देंगे उसको, और इतनी रो ये बनेगा और तीन रो का हम पफ बनेंगे, उसके बाद हम सितारे या फिर जो शीशा वीशा जो भी अटैच करना करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।